गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्मिता शर्मा और मैं आपको बीएससी पार्ट वन का पेपर फर्स्ट पढ़ा रही हूँ, जिसका हम यूनिट वन कर रहे हैं, जिसका नाम है निर्देश तंत्र फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। इसके हमने कई लेक्चर्स पढ़ लिए हैं। आज हम इसके अंदर मोशन रिलेटिव टू अर्थ को पढ़ेंगे। अब ये हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, इससे पूर्व में हमने इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को पढ़ा था, जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, और दोनों में अंतर भी देखा था और दोनों के अंदर कौन से कोई नए बल, जैसे अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में जो नए बल हैं उनके वो किस कारण से उत्पन्न होते हैं और वो आभासी हैं या वास्तविक हैं और उनके नाम क्या हैं, इन सभी का हमने अध्ययन कर लिया था। और हमने अभी तक अध्ययन कर लिया है कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रूपांतरण किस प्रकार से किया जा सकता है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फ्रॉम वन रेफरेंस टू अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैज बीन स्टडीड। आज हम घूर्णी निर्देश, इससे जस्ट पहले वाला जो लेक्चर है उसमें हमने पढ़ा था कि घूर्णी निर्देश तंत्र के अंदर बैठे हुए किसी कण के ऊपर दो बल लगते हुए प्रतीत होते हैं, एक तो निर्देश तंत्र के स्वयं के घूर्णन के कारण और एक घूर्णी निर्देश तंत्र में कण की गति के कारण, यानी वन फो टू फोर्सेस आर सेट टू बी अप्लाइड, सीम टू बी अप्लाइड ऑन अ पार्टिकल इन सिटिंग इन अ रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वन फोर्स इज अज्यूम टू बी अप्लाइड ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द रोटेटिंग फ्रेम इट्सेल्फ एंड अदर इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल विद इन द रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो देयर आर टू इमेजिनरी फोर्सेज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, दे आर नॉट एक्चुअली एक्टिंग ऑन द पार्टिकल बट दे सीम टू एक्ट ऑन द पार्टिकल, सो दे आर वर्चुअल फोर्सेज। नाउ वी नो दैट अर्थ इज रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वी नो दैट अर्थ रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस। हम जानते हैं अर्थ जो है वो अपने अक्ष पे घूमती रहती है, तो वो एक घूर्णी निर्देश तंत्र है। तो हम घूर्णी निर्देश तंत्र का एक एग्जाम्पल पढ़ना चाहते हैं, तो हम धरती से अच्छा एग्जाम्पल नहीं दे सकते, तो हम धरती के को का अध्ययन करेंगे कि वो एक रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो उसमें जो पार्टिकल्स बैठे हैं, जैसे हम लोग बैठे हैं, तो हम पर कौन से बल लगते हुए प्रतीत होते हैं और उसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव होता है, वास्तव में कोई प्रभाव है या यूं ही ये केवल थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। इस चीज़ का हम अब आगे के जो दो लेक्चर्स हैं, दो या तीन लेक्चर्स, उसके अंदर हम इसी चीज़ का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम धरती की जो गति है, उसका जो घूर्णन है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं अभी, वी आर डिस्कसिंग द मोशन ऑफ अर्थ रिलेटिव टू मोशन रिलेटिव टू अर्थ ऑफ एनी पार्टिकल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील डिस्क्राइब हाउ अर्थ इज रोटेटिंग, व्हाट इज इट्स टाइम पीरियड एंड हाउ कैन वी डिवाइड इट इनटू थ्री एक्सीज एक्स वाई एंड जेड, व्हाट आर एक्सीज अज्यूम्ड हियर। तो हम जानते हैं कि जो अर्थ है वो उत्तर दक्षिण को मिलाने वाली एक्सिस के सापेक्ष पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, एंड इट रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, दैट वी नो, और 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। अतः पृथ्वी पर स्थित सभी स्थिर निर्देश तंत्रों को घूर्णी निर्देश तंत्र मानना पड़ेगा। अब जो ऐसे कोई भी स्टेशनरी चीज है, पेड़ है, बिल्डिंग है, कोई भी चीज जो धरती पर नहीं चल रही, वो हमारा स्थिर निर्देश तंत्र नहीं माना जा सकता। दे कैन नॉट बी अज्यूम स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्यों, क्योंकि जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो बैठे हैं वो वास्तव में घूम रहे हैं, तो वो भी घूम रहे हैं। यद्यपि पृथ्वी सूर्य के प्रति कक्षीय गति में घूम रही है, परंतु इसका कक्षीय कोणीय वेग पृथ्वी के चक्रणी कोणीय वेग की तुलना में नगण्य होता है। अब यहाँ पर एक चीज और दिमाग में आती है कि धरती अपने एक्सिस पे तो घूम ही रही है, साथ ही साथ वो सूरज के चारों तरफ भी चक्कर लगा रही है, लेकिन उसका जो ऑर्बिटल एंगुलर वेलोसिटी है
वो उसकी खुद की जो एक्सिस पे जो एंगुलर वेलोसिटी है उसके कंपैरिजन में बहुत कम होती है, इसलिए हम उसको एक बार सिंपलिसिटी के लिए निगलेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम सिंपल ये मान रहे हैं कि अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पे घूम रही है, रोटेट कर रही है, तो उस पर दो सूडो फोर्सेस लगते हुए प्रतीत होते हैं। पहला अपकेंद्रीय बल जो प्रत्येक कण पर लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट अप्लाइज ऑन ईच पार्टिकल सिटिंग इनसाइड द रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और दूसरा जो बल है वो है कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल जो केवल गतिशील कणों पर लगता है, यानी कोरियोलिस फोर्स दैट एक्ट्स ओनली ऑन दोज पार्टिकल्स दैट आर मूविंग विद इन द रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अब हम इसको का सारे को समझना चाहते हैं और मैथमेटिकली सॉल्व करना चाहते हैं, तो हम इसको कुछ अजम्पशंस लेते हैं और कुछ हम उसको समझने के प्रयास करते हैं। तो हम इसके अंदर अजम्पशन क्या लिया कि पृथ्वी को एक बार पूरा गोलाकार मान लिया, और घूर्णी निर्देश तंत्र के लिए कैसे इसके अंदर फोर्सेस दिखाई देंगे वो हम देख लेते हैं। तो इसको पहले एक बार आप डायग्राम से देखिए, डायग्राम में आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। इसमें एक चीज और है, हमने इसका एंगुलर वेलोसिटी निकाल ली क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है वो अपना एक्सिस 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, तो उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है या कोणीय वेग है वो 2π/T होगा। तो 2π और टी जो है वो क्या 24 घंटे हैं, उसको 60 मिनट्स और 60 सेकेंड्स में चेंज, मतलब उसको सेकेंड्स में चेंज करके हम 7.29 × 10⁻⁵ रेडियंस पर सेकेंड की एंगुलर वेलोसिटी हमारी धरती की है। ये चीज़ हमने पहले से वर्कआउट करके रख ली, आगे हमारे यूज़ में आएगी। अब हम इसके अंदर क्या अज्यूम कर रहे हैं कि अब जैसे पार्टिकल धरती पर, कोई पार्टिकल बैठा है तो उसकी सरफेस पे ही बैठा होगा। सरफेस पे वो अब कहीं भी बैठा हुआ हो सकता है, तो सरफेस पे हम अज्यूम कर लेते हैं कि कोई पार्टिकल पी बैठा हुआ है और वो सेंटर ऑफ अर्थ से लैम्डा लेटिट्यूड पे बैठा हुआ है, ये हम अज्यूम कर लेते हैं। माना पृथ्वी पर लैम्डा अक्षांश वाले किसी बिंदु पी पर एक कण स्थित है। अब लैटिट्यूड जो अक्षांश कोण लैम्डा जो होता है वो कैसे बनता है कि इक्वेटोरियल प्लेन पे, देखो अब एक बार आपको डायग्राम दिखाती हूँ, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देखिए अब ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को देखिए, इसके अंदर अगर हम देखें तो ये जो चीज है ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ अर्थ के इक्वेटर है, ये जो चीज है ये इक्वेटर है, ठीक है। अब इक्वेटर से ये सरफेस ऑफ द अर्थ है ना, तो पी बिंदु यहाँ बैठा हुआ है, तो पी बिंदु कितने कोण पर है, इक्वेटर पर हम एक स्ट्रेट लाइन खींचे और पी बिंदु से मिलाने वाली ये सेंटर ऑफ अर्थ को से हमने दो लाइनें खींची, एक इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर और एक पी बिंदु जहाँ बैठा है वहां पर। इन दोनों के सापेक्ष जो कोण होता है वो हमारा लैम्डा होता है, और उसी आधार पर हमारे सारी जगहों के लैटिट्यूड्स निर्धारित होते हैं, जैसा कि हम पृथ्वी के अंदर ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तो ये मान लिया हमने कोई पी पार्टिकल यहाँ बैठा हुआ है जो कि लैम्डा लैटिट्यूड पे बैठा हुआ है। अब ये सरफेस पे ही बैठा होगा, तो हमने इसके सापेक्ष भी एक प्लेन, जिस ये जो पार्टिकल है अगर पृथ्वी घूमेगी तो ऐसे ऐसे घूमेगा, ठीक है ना। अच्छा, अब इस ओ बिंदु सेंटर ऑफ अर्थ को मिलाने वाली जो अपनी एक्सिस है, इस ये एक्सिस क्यों सीधी जा रही है, जिसके अबाउट धरती घूम रही है ओमेगा कोणीय वेग से, तो यहाँ पे जो पी बिंदु के सीध में जो बिंदु है वो हमने मान लिया ओ डैश, इसको हमने मिला लिया है ना। ये तो आपको पता है पृथ्वी की त्रिज्या होगी क्योंकि सेंटर से सरफेस तक की जो दूरी होती है वो हमेशा त्रिज्या होती है, तो इसको हमने कैपिटल आर लिख लिया और ओ डैश पी को हमने स्मॉल आर लिख लिया है ना। अब पी पर हमने जो पार्टिकल है उसको हमने समझने के लिए तीन अक्षों विभाजित कर लिए। यहाँ पे हमने मूल बिंदु मान लिया, एक्स डैश दिशा इस धरती पर प्लेन सतह है,
प्लेन सतह पर दो एक्सेस होंगे, तो दो एक्सेस हमने कौन से माने, एक तो एक्स डैश और एक वाई डैश। तो एक्स डैश कौन सी दिशा हो गई, पूर्व, क्योंकि धरती यूं घूम रही है ना, धरती यूं घूम रही है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो ये दिशा आपकी पूर्व दिशा हो गई है ना, ईस्ट डायरेक्शन हो गई। और वाई डैश हमने कौन सी मान ली है, नॉर्थ डायरेक्शन मान ली। और जेड डैश जो डायरेक्शन है वो हमारी कौन सी है, पृथ्वी से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, यानी वर्टिकली इन अप, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। तो इस तरीके का कुछ अजम्पशन हमने कर लिया है। और क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, इसलिए ये लैम्डा इस लैम्डा के बराबर होगा। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इस डायग्राम को इन्होंने यहाँ अलग से बना के दिखाया है। तो वापस वही देखिए, ओ ये रहा, पी ये रहा, लैम्डा ये रहा, ओ डैश ये रहा, ये सारी चीजें हमारी वहां थी। ओमेगा जो है, ओमेगा इस जगह पर था, उसको मैंने मूव करके इस पॉइंट पे लिया ही, तो ओमेगा यहाँ यूं करके दिखाई देगा मेरे को, है ना, तो ओमेगा यहाँ दिखाई दे रहा है, वाई एक्स डैश और वाई डैश यूं दिखाई दे रहे हैं, और जेड डैश वर्टिकली ऑपोजिट अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है। तो अब जैसे ये लैम्डा है ना, और वाई डैश और एक्स डैश ये दोनों 90 डिग्री के एंगल पे होंगे, दोनों दोनों एक्सीस है। अच्छा, हमने क्या अज्यूम कर लिया कि ओमेगा जो है, ओमेगा अगर यहाँ देखे तो ओमेगा कहाँ पर है, ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है, किससे, इस ओ डैश से। तो ओ डैश और ओमेगा के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का होना चाहिए, है ना। अच्छा, वो 90 डिग्री का एंगल है और ये लैम्डा है, और y डैश भी फ्लैट सरफेस के ऊपर है, तो सरफेस पर है तो ये वाला एंगल भी हमारा 90 डिग्री का होना चाहिए, ये वाला पूरा एंगल हमारा 90 डिग्री का होना चाहिए। अब क्योंकि ये एंगल लैम्डा है तो ये 90 माइनस लैम्डा होना चाहिए। फिर ओ डैश पी और ओमेगा के बीच का एंगल 90 डिग्री का है, ये 90 माइनस लैम्डा हो गया, तो इसलिए ये लैम्डा हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद वाई डैश और जेड डैश दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, एक्सेस हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, तो एक अगर लैम्डा है तो दूसरा 90 माइनस लैम्डा हो जाएगा। कुछ इस तरीके से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करने से हमें फायदा क्या हुआ, हमें फायदा ये हुआ कि ये जो आपकी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, इसको अब हम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कंपोनेंट्स। कोणीय वेग जो है वो दो भागों में विभक्त हो सकता है, उसके दो कंपोनेंट, एक तो वाई डैश दिशा में होगा और एक जेड डैश दिशा में होगा। तो हमें पता है कि जिस तरफ लैम्डा होता है उस तरफ हमारा कॉस कॉम्पोनेंट आता है, और 90 माइनस लैम्डा जहाँ होता है वहाँ साइन कॉम्पोनेंट आता है। तो ओमेगा के हम दो पार्ट्स कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा कॉस लैम्डा जे डैश और ओमेगा साइन लैम्डा के डैश, ठीक है। तो इस आधार पर हम थोड़ा सा इसको वापस बड़ा कर लेते हैं, इस आधार पर हम इसको लिख देते हैं। तो देखिए क्या लिखा है मैंने, मूल बिंदु मानते हुए हम क्या करते हैं, एक्स डैश अक्ष पूर्व दिशा की ओर तथा वाई डैश अक्ष उत्तर दिशा की ओर, और जेड डैश अक्ष ऊर्ध्वाधर पृथ्वी की सतह के लंबवत ऊपर की ओर होता है। ये हमने सारी चीजें मान ही ली। ये निर्देश तंत्र पृथ्वी के घूर्णन के समान कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन करता है। अब हमने ये जो डायग्राम है इसके आधार पर मैंने अभी समझाई दिया कि ओमेगा को दो घटकों के अंदर हम विभक्त कर सकते हैं, एक ओमेगा कॉस लैम्डा होगा और दूसरा ओमेगा साइन लैम्डा होगा। और हमने यूनिट वेक्टर्स, क्योंकि रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम आई डैश जे डैश के डैश लेते हैं एकांक सदिश, इसलिए ओमेगा जो होगा वो क्या हो जाएगा, जे डैश ओमेगा कॉस लैम्डा प्लस के डैश ओमेगा साइन लैम्डा। अब ये तो हमने क्या कर लिया, ये हमने जो चीज ले ली है वो हमने ली है किसके सापेक्ष, पृथ्वी के सापेक्ष। तो कहीं भी अगर पृथ्वी का हम ओमेगा काम में लेंगे तो ओमेगा हम हमेशा ऐसा ही लेंगे। अब आपने कोरियोलिस बल का जो प्रभाव है, अब वो प्रभाव हमें धरती पर कैसे दिखाई देता है वो हम अलग अलग पार्टिकल्स पे जो इफेक्ट है वो देखेंगे, उसके एग्जाम्पल करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारे लिए एग्जाम्पल आता है
वो है पृथ्वी पर क्षैतिज दिशा में गतिशील कण पर कोरियोलिस बल का प्रभाव, कि अगर कोई पार्टिकल हॉरिजॉन्टली किसी अर्थ के ऊपर चल रहा है, जैसे हम सब हॉरिजॉन्टली चलते हैं धरती की सरफेस पे, तो उस पर कौन सा बल कैसे लगेगा? कोरियोलिस बल तो लगेगा क्योंकि हमने कहा है कि उसके ऊपर चलते हुए कण पे कोरियोलिस बल लगने लगता है, तो वो बल कैसे लगेगा ये हम इसके अंदर देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो पार्टिकल चल रहा है धरती पर उसका मास स्मॉल एम है और वो लैम्डा लैटिट्यूड के पॉइंट पी पर वी डैश वेग से क्षैतिज गति कर रहा है, ये हमने मान लिया। ठीक है, अब जो कण का वेग है वो हम क्योंकि क्षैतिज चल रहे हैं और क्षैतिज दिशा में दो अक्ष हमने माने थे, एक तो एक्स डैश दिशा और एक वाई डैश, डैश तो ऊपर की तरफ है, तो हमारा जो वेग है उसको घटकों के रूप में कैसे लिख सकते हैं, वी एक्स डैश आई डैश प्लस वी वाई डैश जे डैश लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम कोरियोलिस एक्सेलरेशन की बात करें, कोरियोलिस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम इससे पहले वाले लेक्चर में निकाल चुके हैं, कितना होता है -2 ओमेगा क्रॉस वी डैश और एम से गुणा कर देंगे तो ये कोरियोलिस बल बन जाएगा। अब ओमेगा का मान अभी इक्वेशन नंबर 1 में हम निकाल चुके हैं, इक्वेशन नंबर 2 से हमें वी डैश का मान पता है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हमारे को निकालना है, तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आता है, -2 करा और इसको इस तरीके से लिख लिया हमने, है ना, और इसको जो हमारे मैथमेटिकल मेथड है उससे हम इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो हमारे को कुछ ये प्राप्त हो जाएगी, समीकरण 3 में जो प्राप्त हुआ है वो हमारे को प्राप्त हो गया। ठीक है, तो अब इसके अंदर देखो आई डैश भी है, जे डैश भी है, के डैश भी है, तो आई और जे तो दोनों ही क्षैतिज घटक हैं और के डैश जो है वो ऊर्ध्वाधर घटक है, यानी आई डैश और जे डैश जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का पार्ट है और के डैश जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट है, तो इसके अंदर से अगर हम केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालें तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा केवल आई डैश और जे डैश, ये वाला जो पार्ट है ये हमारा क्षैतिज घटक का पार्ट है, तो क्षैतिज घटक में मैंने क्या करा, 2 ओमेगा कॉमन ले लिया, आई डैश वी वाई डैश साइन लैम्डा दोनों में कॉमन आ रहा है बाहर निकाल लिया और जे डैश वी एक्स डैश ये आ गया, तो समीकरण 4 बन गए। अगर इसका परिमाण निकाले तो परिमाण कितना होगा, परिमाण हम कैसे निकालते हैं, हम आई से जो संबंधित है उसका स्क्वायर करते हैं और जे से संबंधित है उसका स्क्वायर करते हैं, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, 2 ओमेगा साइन लैम्डा ये तो कॉमन बाहर निकल नहीं सकता है, अंडर रूट ऑफ, क्योंकि अंडर भाई इसका स्क्वायर करेंगे और फिर अंडर रूट करेंगे तो बात एक ही है बाहर ही निकल जाएगा, अंडर रूट ऑफ वी एक्स डैश स्क्वायर प्लस वी वाई डैश स्क्वायर, और वी एक्स डैश स्क्वायर प्लस वी वाई डैश स्क्वायर क्या होगा, इससे पहले हमारे को मालूम है इसका वेग का घटक हो जाएगा, वेग ये है इसका, अगर घटक निकालेंगे तो वी एक्स डैश स्क्वायर प्लस वी वाई डैश स्क्वायर आता है, तो हम इसके अंदर इसको वी डैश लिख लेते हैं, तो कुल मिलाकर आपका जो क्षैतिज घटक का जो परिमाण है वो ये आ गया। अब ये जो बल है ये उस कण पर लगता हुआ प्रतीत होता है, तो प्रतीत होने के कारण इस बल के कारण क्या होगा, उत्तरी नदन हेमिस्फीयर, अब इसके अंदर एक चीज देखिए कि नदन हेमिस्फीयर में जो फोर्सेस हैं उनकी डायरेक्शन, यानी उत्तरी गोलार्ध में फोर्सेस की डायरेक्शन, अभी हमने जो डायग्राम देखा था उसमें देखिए, जो नदन हेमिस्फीयर में जो फोर्सेस की डायरेक्शन है, एक्सिस की डायरेक्शन है, वो सदर्न हेमिस्फीयर में बिल्कुल ऑपोजिट दिखाई देती है उसकी डायरेक्शन, इसलिए जो भी इफेक्ट नदर्न हेमिस्फीयर या उत्तरी गोलार्ध में दिखाई देगा उसका बिल्कुल विपरीत प्रभाव आपको दक्षिणी गोलार्ध में दिखाई देगा। तो हमारे को इस बल के कारण क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में एक कोरियोलिस बल का क्षैतिज घटक दाहिनी ओर लगता है, राइट हैंड साइड की ओर लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि साइन लैम्डा की टर्म आ रही है तो हमारे राइट हैंड साइड की तरफ एक एडिशनल फोर्स लगता हुआ प्रतीत होता है, यानी हम सीधा चल रहे हैं लेकिन हमारे को वो क्या करेगा,
राइट साइड की तरफ थोड़ा सा खिसकाता चला जाएगा, हमें उस बल के कारण हम धीरे धीरे राइट साइड की तरफ खिसकते चले जाएंगे अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चल रहे हैं। और अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर में चल रहे हैं तो हमारे को वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड में हमारे को धकेलता जाएगा और धीरे धीरे हम लेफ्ट साइड में खिसकते चले जाएंगे। अब इसके वर्टिकल कंपोनेंट हमने देख लिया था, ऊपर हमने जो निकाला था उसमें क्या था, वर्टिकल कंपोनेंट या ऊर्ध्वाधर घटक कितना था, के डैश 2 vx डैश cos λ। लेकिन ऊर्ध्वाधर घटक जो है हमेशा ऊपर की ओर लगता है, इसलिए इसका प्रभाव हमारे को नहीं दिखाई देगा। अब ये एक्चुअल में ये जो बल लग रहा है, मैंने कहा शायद दाहिनी ओर लगेगा, बाईं ओर लगेगा, इसका प्रभाव क्या वास्तव में हमें दिखाई देता है क्या? उसका प्रभाव का बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो हम समझा सकते हैं दो चीजों से। एक तो चक्रवात, साइक्लोन्स जो आते हैं, आपने देखा होगा साइक्लोन्स जो होते हैं उसमें हवा जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में गोल गोल घूमती है, या तो वो लेफ्ट टू राइट घूमेगी या राइट टू लेफ्ट घूमेगी। तो वो कौन सी डायरेक्शन में घूमती है वो इस कोरियोलिस बल निर्धारित करता है। दूसरा, नदियां जो होती हैं, नदियां वैसे सीधी बह रही होती है लेकिन उनके एक किनारे का कटाव धीरे धीरे बढ़ता जाता है, इससे उसकी डायरेक्शन चेंज होती चली जाती है। तो नदियों का कटाव जो है वो कैसे होता है, इरोजन ऑफ रिवर बैंक्स, वो भी इसी बल के कारण होता है। इन दोनों की हम व्याख्या इस कोरियोलिस बल के आधार पर कर सकते हैं। कैसे? पहले हम रिवर बैंक्स की बात करें तो रिवर बैंक्स में मान लो कोई एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ले रखा है, यानी उत्तरी गोलार्ध में एक नदी है जो पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है तो यानी एक एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग ही बह रही है। एक्स एक्सिस मानी है हमने पूर्व पश्चिम, नॉर्थ साउथ हमने वाई एक्सिस माना, तो हम उसको उसका जो वेग है ऐसी स्थिति में वी डैश बराबर i-vx- मान लेते हैं, है ना, और पॉजिटिव डायरेक्शन में क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ बह रही है। अब इसके अंदर जो उसके ऊपर जो कोरियोलिस बल का जो घटक है वो हमारा, क्योंकि वी डैश की जगह हमारा केवल vx- हो गया और ये चीज आ गई, तो आपके वैल्यू क्या आ रही है, -j-2mvx-ω sin λ, यानी -j-। का मतलब क्या हो गया, साउथ डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है। तो अब क्या हो रहा है, जैसे नदी यूं चल रही है और एक फोर्स उसको यहाँ नीचे की ओर धकेल रहा है, तो वो क्या होगा, यहाँ कहीं यूं बीच की जगह पर वो चलना शुरू हो जाएगी। अतः उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस बल के कारण नदी के पानी द्वारा भूमि का कटाव की दिशा दाहिनी ओर होता है, तो राइट हैंड साइड की तरफ होने लग गया आपका, है ना, राइट हैंड साइड की तरफ ये डायरेक्शन हो गई आपकी नदी की और ये फोर्स की डायरेक्शन हो गई, और इसके बीच में इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इन दोनों के बीच में लगेगा। बीच में लगेगा इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि वो राइट हैंड साइड की तरफ लग रहा है, तो नदी जो है वो राइट हैंड साइड की तरफ झुकती चली जाएगी, कटाव घूमती चली जाएगी। ऐसे ही बिल्कुल अगर सदर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे तो वहाँ लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आपको यही चीज दिखाई देना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार हम साइक्लोन्स की बात भी कर सकते हैं कि आपको पता है वायुमंडल में अक्सर साइक्लोन्स आते हैं, हवा चक्कर में घूमना शुरू हो जाती है ना। तो ये जो चक्रवात हैं ये हमारे वास्तव में तो क्यों होते हैं कि जब किसी स्थान पर एक लो प्रेशर रीजन बन जाता है, जैसे हवा बहुत तेज गर्मी है, गर्मी के कारण हवा जो है वो ऊपर की ओर उठ जाती है, गर्म होकर ऊपर की ओर उठ जाती है, तो उस खाली स्थान को भरने के लिए आसपास की चारों तरफ की ठंडी हवा उस जगह पर तेजी से उस जगह पर आती है और उस जगह को फिल इन करने की कोशिश करने में वो एक रोटेशन होता है, और उसके अंदर जो वेलोसिटी है उसकी या वेग है वो अत्यधिक बढ़ जाता है और इस कारण से साइक्लोन प्रोड्यूस होते हैं। तो ये साइक्लोन्स जो हैं, साइक्लोन्स पे भी सेम यही का यही इफेक्ट दिखाई देता है, क्योंकि जो साइक्लोन्स में जो एयर है वो भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आती है। तो ये देखा गया है कि हमेशा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में हमेशा जो मूवमेंट के कारण हवा भी हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, ऊर्ध्वाधर दिशा, ये क्षैतिज दिशा में ही गति कर रही है, तो
तो इस कारण से उत्तरी गोलार्ध में हमेशा जो साइक्लोन्स का जो मूवमेंट है वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा दाहिनी ओर होगा और दाहिनी ओर ऊपर की ओर और सर्पिलाकार हो जाएगा इस कारण से। यानी किस तरीके से हो जाएगा, दाहिनी ओर दिशा में, ये दाहिनी ओर दिशा में ऊपर की ओर ऐसे 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 करके सर्पिलाकार ऊपर उठता चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का मूवमेंट आपको दिखाई देता जाएगा। अच्छा, ऐसे ही अगर हम उसकी बात करें दक्षिण गोलार्ध में, तो उसके अंदर भी हमारा जो मूवमेंट है साइक्लोन्स का वो हमारा लेफ्ट डायरेक्शन में होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से साइक्लोन्स की जो डायरेक्शन है, घूमने की जो दिशा है, वो हमारे कोरियोलिस बल द्वारा निर्धारित होती है। तो सभी चक्रवात जो उत्तरी गोलार्ध में आते हैं वो हमेशा राइट साइड की तरफ घूमते हुए ऊपर उठते हैं, और दक्षिण गोलार्ध में या सदर्न हेमिस्फेयर में जितने भी साइक्लोन्स आते हैं वो लेफ्ट साइड में घूमते हुए ऊपर की ओर उठते हैं। और ये दोनों ही प्रभाव हमारे को कोरियोलिस बल के कारण दिखा होते के कारण ही उत्पन्न होते हैं। और कोरियोलिस बल क्योंकि कण स्वयं गति कर रहा है और घूर्णी निर्देश तंत्र में बैठा है, इस कारण से उस पर लगता हुआ प्रतीत होता है। तो ये हमने एक इसका फर्स्ट एग्जाम्पल कर लिया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाकी के एग्जाम्पल करेंगे। धन्यवाद।